प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा। पूरी तरह से दिल से मैं गुरु के चरणों में नमन कर रही हूँ। खुश रहो बेटा, खूब खुश। गुरु जी, मेरा नाम रश्मि, इसका नाम अचिंत दुबे। अचिंत है? अचिंत दुबे, AChINTDUBEY। गुरुजी, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने नौ हवन करके आपसे मिलने यहाँ आई थी, और मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क फील हुआ था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की तबीयत में भी रिकवरी हुई थी, ये भी थोड़ा नॉर्मल हुआ था, और मेरे करियर की जो बाधाएँ वो भी कम हुई थी। और मतलब हस्बैंड के पास काम नहीं था, अचानक इनके पास फ़ोन आया कि यार बालिका वधू सेकंड तो तुम ही लिख सकते हो, आ जाओ। तो मतलब काम भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन बीच में अचानक क्या हुआ, 6-7-8 महीनों बाद कुछ वापस से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। ये भी बहुत डिस्टर्ब हुआ, इसकी अभी साइकेट्रिस्ट से दवाएँ चल रही, तो कंट्रोल हुआ, मतलब तोड़ना फोड़ना मारना नोचना सब था। फिर अभी मेरी दोस्त मुझे मधु जो हैं मुंबई में जहाँ आप आए थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मेरे अर्जुन को ठीक किया है, तुम्हारे अचिंत को भी वही ठीक करेंगे। और मैं पूरी तरह से, मैं इस बार आई हूँ ना, मैंने वहाँ संकल्प किया है हॉल में, मैंने एनर्जी को फील किया, मतलब आप सोच नहीं सकते, मेरे शरीर में से वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कुछ निकल रहा, इतना पेन हो रहा था कि मैं तो आलकी पालकी मार के आराम से बैठती हूँ, लेकिन इतना दर्द हो रहा था कि मैंने हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा फील मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया कि नसों में से कुछ निकल रहा है। बिल्कुल, मतलब ये मैंने पहली बार ऐसा फील किया। और उसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं यहाँ दीक्षा लूंगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत उतरने का शौक है, जानने का, समझने का, और मैं पूरी तरह से दिल से आत्मा से समर्पित हूँ गुरुजी। लेपन मैंने खरीद लिया है बच्चे के लिए, बस आप इसकी एक चीज के लिए जो असाध्य रोगों वाला है, वो जी ये हवन है, जी महाहवन, जी ये निःशुल्क है। अच्छा जी, इसको जरूर कर लेना संकल्प। गुरु जी, मधु ने एक लेप का डब्बा दिया था, लेकिन इसने लगवाया नहीं, लगवाता नहीं, मैं कैसे करूँ? लगवाएगा, अचिंत लगवाएगा, आप लगाएंगे जरूर करेगा, अभी शांत रहेगा। गुरु जी को प्रणाम कर दो बेटा, बोलो। मैं अचिंत बोलो, मुझे ठीक कर दीजिए गुरु जी। कैसे हो? बोलो, मैं अच्छा हूँ, बोल दो। मैं अच्छा हूँ। अरे वाह, क्या बात, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। बोलो, आपका आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी, इसको 5-7 हज़ार गाने, लिरिक्स और म्यूजिक सहित याद है, लेकिन ये 1-to-1 बात नहीं करता। करेगा, सब करेगा। अपनी तकलीफ नहीं बताता, भूख लगी है नहीं बोलता, ऐसी क्या चीज है जो इसको रोकती सब है? सब करेगा, सभी कुछ करेगा, ये असाध्य रोगों वाला कर लीजिएगा जी, महावन, उसके बाद धीरे धीरे लेपन चलता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा जी, ज्यादा, लेकिन जी करेगा सब कुछ। गुरु जी, पूरी तरह से आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हम तीनों ठीक रहें, स्वस्थ रहें, यहाँ आते रहें बार बार। खुश हो बेटा, बुलाते रहें करोली, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद देने।